फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे डेवलपमेंट, तो पहले की वीडियो में हमने जो है कैसे कंपेयर करते हैं, डेवलपमेंट क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, उसके बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इनकम एंड अदर क्रिटेरिया। सो सबसे पहले क्या है कि जब भी जो हमारी नीड्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे गोल्स बनते हैं। कौन से? डेवलपमेंटल गोल्स, कि हमारे नीड्स क्या हैं, हमारे एस्पायरेशंस क्या हैं। वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम। अब देखो कि हमें सिर्फ इनकम ही नहीं चाहिए होती। अगर मैं कहूँ कि इतनी इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम, एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा इनकम है लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज कल लोगों को सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, और क्या क्या चाहिए, बाकी के और गोल्स भी होते हैं कि वहाँ पे रिस्पेक्ट भी मिले, सिक्योरिटी हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो दूसरों के साथ, सभी जो है मिलजुल कर रहें। इसके भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो जॉब सेक्टर्स हैं, एक में जो है आपके साथ कोऑपरेटिवली सब रहते हैं, ठीक है, और एक ऐसा है जहाँ पे इनकम तो हाई है उससे, लेकिन वहाँ पे जो है एक दूसरे को नहीं देखा जाता, रिस्पेक्ट नहीं की जाती, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। तो क्या आप उस जो है वहाँ पे जॉब करना चाहोगे जहाँ पे इक्वालिटी ही नहीं हो, या जहाँ पे फ्रीडम ही नहीं है, यहाँ पे लोग जो हैं वो मतलब एक दूसरे को ज़्यादा बुलाते ही नहीं हैं। तो अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है, जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारा काम करने का भी मन करेगा। तो इसीलिए सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं होती, इनकम के साथ साथ हमें फ्रीडम भी चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, है ना। तो ये सब जो है ये सारे ही इक्वल इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, मीन्स कि एक इम्पॉर्टेंट इसके आइडियाज़ हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक फैक्टर को लेके चलना है। कि अगर हमारा डेवलपमेंटल गोल है, आगे हमने डेवलप करनी है, तो सिर्फ पैसे से ही डेवलपमेंट होगी, सिर्फ हमें मनी चाहिए, नहीं। इन रिगार्ड ऑफ ऑल दिस, वी ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट, वी ऑल्सो नीड फ्रीडम, वी ऑल्सो नीड इक्वल ट्रीटमेंट। अब ये जो आप देख सकते हो इनकम दी हुई है, ये वाला जो आपको दिखाया हुआ है, इसकी टेबल के बारे में बताया हुआ है ये सारा, कि अगर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट सबसे पहले आपको समझना होगा कि है क्या। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है कि एक साल के अंदर कितने बच्चे जो थे बर्थ होने के बाद उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, 1000 के ऊपर ये देखा जाता है। सो इसे IMR भी बोला जाता है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। क्या है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इसमें क्या देखा जाता है, 1000 चिल्ड्रन के बारे में देखा जाता है कि कितने जो है एक साल के बाद, अगर 1000 पर लें तो 17 की डेथ हुई, 18 की डेथ हुई, कितने की हुई, ऐसे देखा जाता है। तो उसी तरीके से हरियाणा में वो है 30, लिटरेसी रेट होता है पढ़े लिखे की गिनती, ठीक है, वो है 82, और नेट अटेंडेंस रेशियो है वो क्या होता है कि मतलब जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल जाके, ठीक है, तो वो क्या है, 61 है। ऐसे ही केरला में है 94% लिटरेसी रेट है, बिहार में 32 है और लिटरेसी रेट 62 है। अब आप देखो सबसे कम जो है इन्फेंट मोरलिटी रेट कहाँ पे, केरला में, क्योंकि वहाँ पे 7% है, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी वहीं पे है। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी, उससे जो है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट भी कम होगा, और लोगों को अवेयरनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही लिटरेसी रेट होता है कि लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, 7 साल या उससे अबव, और नेट अटेंडेंस रेशो जो है कि 14 से लेके 15 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो कितना स्कूल जो है रेगुलरली जाते हैं, ठीक है, तो वो हो गई है नेट अटेंडेंस रेशो। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमने देखे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, चाहे हमने हरियाणा में देखे, केरला में देखे, बिहार में देखे, तो इसमें जो है हमें क्या बताया गया, हमें कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइसेस, मींस कि एग्जैक्टली ये पर कैपिटा इनकम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रफली, मतलब ये पूरी टर्म आप चाहे याद मत करो, इसमें रफली आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में बताने की कोशिश की गई है। हरियाणा में जो है हाईएस्ट इनकम है, ठीक है, बिहार जो है वो बॉटम में है, और हरियाणा की कम से कम अगर देखें तो 2 लाख से अबव जो है इनकम है, बिहार की जो है 40,000 से अबव है। इसी तरीके से इसमें जो है हर एक का डिफरेंट
बताया हुआ है। तो इसी इसके बेस पे हमें पता चलता है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें ये सब याद नहीं करना जो हमें दिया हुआ है ये सब, कि हरियाणा की 2 लाख से ऊपर है, केरला की भी 2 लाख से थोड़ी ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाणा की है क्योंकि 2,36,000 है और बिहार की 40,000 है। इसमें ये बताने की कोशिश करी है डेवलपमेंट की, कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा कम डेवलप्ड है। सो अगर हम इस बेस पे देखें तो हरियाणा जो है वो मोस्ट डेवलप्ड है क्योंकि पर कैपिटा इनकम उसकी कितनी है 2,36,147। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ हम देखें तो केरला जो है वो भी डेवलप्ड है लेकिन हरियाणा से कम, और बिहार जो है वो सबसे कम है। तो इसी तरीके से हमें इस चैप्टर में जो इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है वो यही है कि मोर्टैलिटी रेट के बारे में, डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, नेट अटेंडेंस रेशो क्या है, लिटरेसी रेशो क्या है, रेट क्या है, तो इससे जो है कोई क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये जो बताया हुआ है कि एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है 30, ठीक है, मतलब कि 3 times ज़्यादा है हरियाणा में केरला से। तो अब ये बताना क्या बताना चाहते हैं आप, देखो कि आप सभी जो है यहाँ पर पढ़ रहे हो तो ये कितने आपके लिए अच्छी बात है, एक खुशी की बात है, और सेलिब्रेशंस वगैरह करते हो बर्थडेज वगैरह, या हम देखें इंडिपेंडेंस के बाद जो ये सारी डेवलपमेंट हुई है, बिल्डिंग्स बनी हैं, शॉपिंग मॉल्स बने हैं, तो ये सब भी हमें क्या दिखा रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की हैं, चाहे कम लिटरेसी रेट की हैं, तो हमें क्या चाहिए कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो, लिटरेसी रेट ज़्यादा हो। तो हमें ये अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जहाँ पे कम है, कम लिटरेसी रेट है, तो हमें और अवेयर करना चाहिए, लोगों को और पढ़ाना चाहिए। तो इसी तरीके से बिहार की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग बिहार में नहीं पढ़ते, ठीक है, मिसिंग ही होते हैं, क्लासमेट्स जो हैं वो थोड़ी देर बाद एलिमेंट्री एज तक मिस होने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उस टाइम के बाद जो है एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन जो है वो कोई नहीं लेता, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, सबसे पहले इसमें तो ये तीन आपको, ये वाला टेबल जो है ना, ये वाला, ये तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, ब्लैंक्स में आ सकता है कि IMR क्या है, ठीक है, ये IMR की फुल फॉर्म क्या है, इन्फेंट मोरलिटी मोर्टैलिटी रेट क्या है, फिर उसके बाद लिटरेसी रेट क्या है, और नेट अटेंडेंस रेशो क्या है। तो आज हमने क्या जाना, इसमें जो है डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं इसके बारे में बताने की कोशिश की गई है, किसके द्वारा बताने की कोशिश की गई है, कि क्या क्या हम चेक करते हैं, मोर्टैलिटी रेट चेक करते हैं, नेट अटेंडेंस रेशो चेक करते हैं, और लिटरेसी रेट जो है वो चेक करते हैं। तो ये जो भी लिए गए हैं ये अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन भी आ जाए। सो आज हमने जो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।